जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। अभी है हमारा टाइम एंड वर्क संबंधित मैथ है और ये है आपका टाइप थ्री। इससे पहले हमने टाइप वन टाइप टू कर चुके हैं, तो जितना भी पेड मेंबर आप ही लोगों के लिए वीडियो है, तो जैसे आपने अभी भी वन या टू नहीं देखे है तो सबसे पहले आप उस वन और टू को देख के आइए, उसके बाद टाइप थ्री में आएंगे। और इसमें क्या करेंगे, टाइप थ्री टाइप फोर करेंगे, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में हमको कमेंट किए थे कि सर वीडियो बहुत छोटा हो गया, कम से कम थोड़ा सा करिए बड़ा। तो उसी हिसाब से इसमें हम दो टाइप को एक साथ में लेके आएंगे। तो देखिए टाइप थ्री में क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, अर्थात ए और बी किसी काम को एक साथ में क्या करता है, दोनों मिलकर करने से 12 दिन में कर देता है। और व्हाइल बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज, अर्थात बी ने उसी काम को अकेला करता है तो 30 दिन में कर लेता है। तो ए अलोन विद कंप्लीट दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज, अर्थात ए ने उसी पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे ए का दिया हुआ नहीं है, ए बी का एक साथ में दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है, तो आपको ए का निकालना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है ए प्लस बी का कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है आपका 12 दिन में, और आपका बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है आपका 30 दिन में। तो 12 और 30 का ऐसा एक आपको लेना है जो आपका टोटल काम पता चल जाए, जिसमें ये डिवाइड हो जाए। तो इसको एलसीएम करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए बी का एक दिन का काम हो जाएगा आपका, इसमें काट दोगे तो 5 में, और ये आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा 2। तो देखिए अभी ए और बी का जो है, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया, और आपको बी का काम पता लग गया कि एक दिन का है 2, तो इससे माइनस कर देने से 3 आपका क्या हो गया, ए का काम। तो एक चीज़ आपको पता लग गया कि आपका जो बी काम करता है एक दिन में 2 यूनिट और ए आपका काम करता है एक दिन में 3 यूनिट, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता लग गया, तो आपको क्या चीज़ पूछे है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम आपका था 60 और ए कर रहा था 3 दिन में, तो टोटल आपका कितना दिन में हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 20 दिन में, जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी इसमें आंसर हो गया, चलिए ऑप्शन बी हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। If alone one can complete a work in 6 days, अर्थात ए ने किसी काम को 6 दिन में कर लेता है तो how many days alone with the work be completed, अर्थात इसी काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो जैसे मैं पिछला में बताया था कैसे करना है, प्रोसेस सेम है, इसमें और कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो आपको शायद इस मैथ को करके बताने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो आप इस मैथ को खुद से भी कर सकते हैं। फिर भी चलिए, जिन्होंने कर लिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, ए प्लस बी का काम कितना हो गया, ये करता है 4 दिन में पूरा काम कर लेता है, और बी क्या करता है, ए ने क्या करता है, पूरा काम को 6 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, टोटल काम हो जाएगा आपका 24। तो ए और बी ने कर रहा है आपका कितने, 6 दिन में, और ए ने कर रहा है 4 दिन में। तो आपका बाकी बच गया बी, इसको माइनस कर देने से निकल जाएगा बी का एक दिन का काम। तो आपको पता लग गया कि बी का एक दिन का काम है 2, टोटल काम है आपका 24, 24 से 2 को काट दीजिए तो आपका हो गया 12। तो बी ने अकेला पूरा काम को 12 दिन में, जो आपका ऑप्शन ए है उसमें कंप्लीट कर लेगा। तो ये था आपका 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन, और ये है देखिए ये है हमारा 4 नंबर टाइप का क्वेश्चन। तो 3 और 4 टाइप को हमने एक साथ में कर रहा है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, अर्थात ए बी, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए इस मैथ को करने के लिए आपको क्या है, बोल रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। तो ए बी सी एक साथ में इस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको करना है सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है, कैसा लिखना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 में, बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है आपका 15 दिन में, और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है, सी प्लस ए कर रहा है आपका 20 डेज में।
तो टोटल काम हो जाएगा, ऐसा एक संख्या लेना है तीनों जिसमें कट जाएगा, तो आपका हो गया 60। देखिए प्रोसेस सेम है, कहाँ पे जाके अलग होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या हो गया, ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया 5 यूनिट, बी सी का एक दिन का काम हो गया आपका 4 यूनिट, और आपका सी प्लस ए का एक दिन का काम हो गया आपका 3 यूनिट। तो टोटल काम हो गया आपका 9, 3, 12। मगर 12 जो काम हुआ ना, देखिए इसमें भी ए डबल है, इसमें भी ए डबल है, इसमें बी डबल है, सी डबल है, अर्थात इन्होंने क्या, ये डबल डबल काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, डबल डबल नहीं निकालना है, आपको सिंगल काम का निकालना है, क्योंकि आपको ए बी सी का पूछे है। तो हमने ए डबल लिख दिया क्योंकि डबल है, ए प्लस बी प्लस सी का जो डबल काम हो रहा है 12 दिन में। तो आपका ए बी सी को जैसे करेंगे तो 2 से 12 को काट देंगे तो 6, तो ये पता लग गया कि ए बी सी पूरा काम को क्या कर देगा, जो एक दिन का उसका काम निकल जाएगा 6, और 6 को 60 से काट देगा तो कितना आ जाएगा, 10। समझ गए ना, क्योंकि आपका देखिए ए बी सी क्या कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, टोटल काम आपका है 60, तो 6 से 60 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा 10, जो आपका देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन को इसी टाइप में करना है। अभी देखिए और एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसमें भी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है, देखिए ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 4 दिन में, सी और ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी मतलब अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, जैसे पिछला वीडियो में आपको पिछला क्वेश्चन में बोला था कि उसमें ए बी सी कितना दिन में करेगा, इसमें सिर्फ बी का ही पूछे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए प्लस बी कर रहा है आपका कितना दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 4 दिन में, और सी प्लस ए कर रहा है आपका 6 दिन में। तो तीनों का ऐसा काम आपको लग गया, पता लग गया कि 12 काम है। तो इसमें जैसे 12 से करेंगे तो ए प्लस बी का काम है एक दिन में, एक दिन का काम है 1 यूनिट, बी प्लस सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, और सी प्लस ए का है एक दिन का काम है 2 यूनिट। तो आपको निकालना किसका है, बी का है। तो आपका देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो गया, आपका हो गया 6। तो इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3। तो ए प्लस बी का आपका एक दिन का काम हो गया 3, आपको पूछे बी का। मगर देखिए इसमें क्या है, जो ए प्लस बी का पूछे है, मतलब बी का निकालना है, ए प्लस सी का एक दिन का काम है 2, तो 3 से 2 माइनस कर देंगे तो एक चीज़ पता लग गया कि बी का एक दिन का काम है 1 यूनिट। तो टोटल काम आपका कितना है, 12 है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो आप शायद इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रमेश एंड श्याम कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, सेम श्याम एंड हरी इज 15 डेज, एंड हरी एंड राम इज 20 डेज। अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज राम एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में, सेम और हरी 15 दिन में, और हरी और सेम 20 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछला वीडियो में बताया, क्वेश्चन सेम है, सेम आपको करना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मैं इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, आप खुद से करिएगा, और ऑप्शन आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन खुद से बताइएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी कैन ए कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, बी प्लस सी 12 डेज, एंड सी प्लस ए 15 डेज, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक सेपरेटली टू द वर्क। इसमें क्या है, थोड़ा क्वेश्चन हटके है तो मैं इसको आपको बताऊंगा। इसमें बोल रहा है ए प्लस बी क्या कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 15 दिन में करता है। तो तीनों अलग अलग से पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले आपको निकलना है काम कितना है। तो देखिए ए प्लस बी क्या कर रहा है, आपको कर रहा है 20 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है आपका 12 दिन में, सी प्लस ए कर रहा है आपका 15 दिन में। तो पूरा काम आपको पता लग गया एलसीएम करने से हो जाएगा 60। तो इसमें आपका ए प्लस बी का काम हो जाएगा आपका कितना, देखिए ए प्लस बी का काम हो जाएगा आपका एक दिन का 3 यूनिट, और बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, एक दिन का 5 यूनिट, और सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया आपका 12 यूनिट।
तो आपको पता लग गया कि ये डबल डबल काम है, ए प्लस बी प्लस सी का डबल डबल काम है, तो ये आपका 12 है, तो इसमें 2 से काट देंगे तो सिंगल का काम हो जाएगा 6। तो अभी क्या है, ए प्लस बी क्या करता है, 6 दिन में काम करता है, मतलब एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो आपको क्या है, अलग अलग निकलना है। तो देखिए आपको इसमें, चलिए इधर ए प्लस बी प्लस सी आपका 6 दिन में करता है, ठीक है। तो आपको पहले जैसे मैं आपको बता दिया था, जैसे आपको देखिए क्या बताया था, इधर मैं छोटा सा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका एक एक दिन का काम कितना था, इसका एक दिन का काम था आपका 3, इसका एक दिन का काम था 5 और इसका एक दिन का काम था आपका, जो आपका काम था 15, तो इसका 4 है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ पता चल गया कि आपका जो टोटल काम है आपका कितना है, टोटल काम है आपका 60 आपका टोटल काम है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, तो आपको जैसे सी का निकलना है या पहले आप ए का निकालोगे, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, देखिए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। तो ए का छोड़ दिया, तो ए का जो बचा हुआ एक जो क्या हो जाएगा, ए का काम हो जाएगा। तो आपने समझ गए कि आपका ए का काम, इसमें से पता चल गया कि हमारा ए का काम हो गया, जो ए अकेला करता है, चलिए इधर लिखता हूँ, ए अकेला करता है एक दिन में। अभी बी का देखिए, बी का निकलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो सी प्लस ए कर देंगे, सी प्लस क्या, देखिए सी और ए कट गया तो बी रह जाएगा बीच में, ये 4। तो आपको ये चीज़ पता लग गया कि बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है आपका 2 यूनिट, तो बी का हो गया 2 यूनिट। अभी सी का निकलना है, तो किसका निकलेंगे, देखिए ए बी कर रहा है 3 दिन में, तो इसमें 3 माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग गया सी आपका करेगा 3 दिन में। तो ए करेगा एक दिन में 1 यूनिट करता है, बी करता है 2 यूनिट एक दिन में, और सी करता है 3 यूनिट, तो टोटल काम आपका है 60 यूनिट। तो एक बार जब हमने ए के साथ काटेंगे, आपको क्या बोल रहे हैं, सेपरेटली डू द वर्क, दे विल टेक सेपरेटली डू द वर्क। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि सेपरेटली उन्होंने जो काम को कंप्लीट करेगा, एक दिन का काम क्या करेगा, ए करेगा एक दिन में, बी करेगा 2 दिन में और सी करेगा 3 दिन में। अभी ये आपका एक एक दिन का काम पूछे तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, मगर आपको यही चीज़ पूछे होते कि आपको ए ने पूरा काम को कितना दिन में करेगा, बी ने पूरा काम को कितना करेगा और सी ने पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो आपको क्या होता, तो आपको इस चीज़ का आंसर ये होता कि आपका, देखिए ये आंसर क्या होता आपका, तब ए का जब 60 से काटेंगे तो हो जाएगा 60 में, तो 60 आपका ऑप्शन में होता, और बी का कटता तो 60 को काट देंगे तो 30, तो 60 30, और सी का क्या होता, सी का आपका 3 से जैसे 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 20, तो आपका आंसर क्या होता 60 30 20। तो आपको ये एक एक दिन का काम पूछे है, सेपरेटली काम एक एक दिन का पूछे है, तो आपने एक एक दिन का निकल दिया, और पूरा काम का पूछे होते हैं तो ये आपका ए बी सी का पूरा काम होता। तो आपने शायद इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में कॉन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस में कॉन्फ्यूज हो सकता है, इसमें सेपरेटली आपको जो आंसर इसमें क्वेश्चन में पूछे है, आपको पूछे कि ए बी सी सेपरेटली कितना काम करेगा, अर्थात तो एक दिन का काम पूछे है, पूरा काम को नहीं पूछे है, पूरा काम को पूछने से ये होता और आपको सेपरेटली होने से ये होता, क्योंकि आपका लैंग्वेज में ये कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं दोनों को करने का प्रोसेस बता दिया। तो चलिए ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो गया, अभी तक हमने 14 मिनट का क्लास हो चुके हैं, तो क्लास तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं 5 और जो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दोनों को हमने नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो ये आपका क्या था 3 और 4 का, नहीं तो चलिए इसको भी इसी में आपको समझाई देते हैं ताकि एक ही बार में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया, अभी चलिए 5 नंबर में चलते हैं, करते हैं। देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर आपका है कि ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 15 डेज 10 डेज, अर्थात ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है और 10 दिन में, अर्थात ए ने 15 दिन में करता है तो बी ने 10 दिन में करता है। देन बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लीव आफ्टर 2 डेज, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीट ऑफ वर्क, अर्थात क्या बोल रहा है
कि ए एक किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलके काम शुरू करता है और बी ने क्या करता है 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो उस पूरे काम को ए ने अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, यही तो पूछे है ना आपको। तो देन टोटल वर्क ऑफ डेज अर्थात कि टोटल जो टोटल काम को कितना दिन में ख़त्म होगा, ये नहीं बोले कि बचा हुआ काम को नहीं बोले, बोल रहे पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले करना है, आपको लिखना है ए और बी। ये करने के लिए 2 प्रोसेस है, तो मैं आपको जो अच्छा प्रोसेस है मैं वही चीज़ को बताऊंगा, आपको जानने का इच्छुक है तो मैं सेकंड प्रोसेस में बता दूंगा। तो देखिए एक का क्या है, ए का एक दिन का काम है 15 और बी का मतलब ए ने पूरा काम को करता है 15 दिन में और बी ने पूरा काम को करता है 10 दिन में, तो टोटल आपका काम हो गया आपका 30। तो ए का एक दिन का काम हो गया 2 और बी का एक दिन का काम हो गया 3, ठीक है। अभी इनका क्या बोल रहा है, बी ने क्या कर दिया आपको, बी ने देखिए तो टोटल काम कितना हो गया 5, तो टोटल काम हमारा 5 है। तो मैं जिस प्रोसेस को बता रहा हूँ पहले उस प्रोसेस को समझ लिए, उसके बाद मैं सेकंड प्रोसेस को समझाऊंगा। तो ए ने क्या किया, ए ने क्या कर रहा है, बी ने 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, तो बी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, ये 2 दिन में कितना कर लेगा, 2 दिन में 6 यूनिट कर लेगा, तो 2 दिन 6 यूनिट कर लेगा, तो 30 से हम 6 माइनस कर देने से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24। तो ये 24 काम को कौन करेगा, ये करेगा ए ने, तो इस 24 को 2 से काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि ए ने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो इसीलिए आपको पता चल गया कि पूरा काम को कंप्लीट होने में 12 दिन टाइम लगेगा। अभी दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस आपका है ये समझ लीजिए कि दोनों का काम है, एक दिन का काम है, जो दोनों एक दिन मिल के काम करेगा तो 5 यूनिट। तो देखिए बी जैसे दो दिन काम करके चला जा रहा है, तो ए ने भी तो 2 दिन काम किए है ना, तो ए का और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा आपका 10 यूनिट। तो 30 से आप क्या करिए 10 को माइनस कर दीजिए तो आपका हो गया 20, और ये 20 काम कौन करेगा, 20 काम करेगा बचा हुआ काम करेगा ए, तो ए का एक दिन का काम है 2, तो इसके क्या करेगा 10 दिन। ऑलरेडी आपको 2 दिन ए ने काम कर चुका था और अभी बाद में कर रहा है 10 दिन, तो टोटल लगा हुआ काम का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपको समझाया था, ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर जो फर्स्ट प्रोसेस में आपको जो बताया था उसमें आदमी कंफ्यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस को आप अपना सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, उसके बाद आप एज यू लाइक आप जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम है, मगर इसमें क्या बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क को बोले है, टोटल वर्क का नहीं बोले है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बी ने 2 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया, तो ए ने बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, अर्थात इसमें बचा हुआ काम आ गया। तो बचा हुआ काम आने से क्या होगा, आपको जो मैं सेकंड मेथड का मैथ सिखाया था वो सेकंड मेथड को इसमें अपनाना है। जैसे आपका देखिए ए का एक दिन का काम हो गया 15, बी का एक दिन का काम हो गया 10, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, और ए का एक दिन का कितना यूनिट काम करेगा, ए करेगा 2 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, दोनों का काम हो गया 5 यूनिट, बी ने क्या कर रहा है, बी ने 2 दिन काम करके छोड़ के चला जा रहा है, तो ए ने भी 2 दिन काम किए, तो ए और बी का एक दिन का 2 दिन का काम हो गया 10 यूनिट, 30 से आप 10 को माइनस कर दीजिए तो टोटल अभी काम बचा हुआ क्या है 20। अभी क्या बोल रहा है, रिमेनिंग काम, तो रिमेनिंग काम मतलब जो बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम कितना है 20, 20 ने क्या रिमेनिंग काम को ए ने कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए का एक दिन का काम है 2, तो आपका 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम को 10 दिन में पूरा करेगा, तो इसमें आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आपने शायद इस मैथ को समझ गए होंगे। अभी देखिए आज का है आपका ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, इसमें टाइम एंड वर्क में है, क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क का है मगर थोड़ा हट के है, तो इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये लगभग लगभग जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शनेट के तरफ का मैथ है उसी टाइप का। तो देखिए क्या बोल रहा है, अभिनाश कैन बिल्डिंग इज वेल 30 डेज व्हाइल विश्वजीत कैन बिल्डिंग इन 40 डेज, इफ दे बोथ बिल्ड इज टुगेदर
गेट ए पेमेंट रेस्ट 7000, सो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ विश्वजीत। बोल रहा है अविनाश और विश्वजीत, किसी बिल्डिंग को 30 दिन में क्या है, 30 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब पूरा कर सकता है, दोनों मिलके उस बिल्डिंग को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद उनको क्या हुआ, 7000 रुपया उस काम करने के लिए मिला। तो आपको 7000 रुपया में आपको पूछे कि जो विश्वजीत का हिस्सा कितना है। आप इसमें क्या है, आपका हिंदी का क्वेश्चन हम लाना भूल गए थे, इसलिए हम हिंदी को आपको बढ़िया से समझा दिया। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे प्रोसेस सेम है, आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, अविनाश को ए कर लीजिए और विश्वजीत को भी कर लीजिए। तो अविनाश करता है 30 दिन में, विश्वजीत करता है 40 दिन में, तो टोटल काम आपका हो गया 120। तो आपका 120 हो जाएगा, तो अविनाश का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट और विश्वजीत का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 3 यूनिट। तो दोनों का एक दिन, दोनों का काम आपको पता चल गया कि दोनों का काम है आपका 7। मगर ये समझ लीजिए कि इसको काम ना समझ के ये समझिए कि अविनाश में एक दिन में क्या करता है, 4 रुपया कमाता है और विश्वजीत ने एक दिन में 3 रुपया कमाता है। तो इन्होंने एक दिन में कितना कमा रहा है, एक दिन में कमा रहा है 7। मगर क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं कमा रहा है, कमा रहा है 7000। 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से आपका गुना है आपका ज़्यादा है 1000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 के साथ 1000 गुना ज़्यादा करने से आपको क्या होता है, 7000 मिलता है। तो आपको किसका पूछे, विश्वजीत का, तो विश्वजीत का क्या है, 3 है। तो आप 3 के साथ क्या करिए, 1000 का गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000, जो आपका ऑप्शन ए में है। आपने शायद इस मैथ को समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को कैसा लगा बताइएगा, और इसमें अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये आपने पैसा दे के कोर्स लिए है। शेयर करने से क्या होगा, आपका पैसा से दूसरा कोई पढ़ लेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बुरा होगा। कि आपको दोस्त को ये अच्छा से पता लग जाने से वो आपसे 1-2 नंबर के लिए आगे हो जाएगा, तो मेरिट में आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।